हेलो फ्रेंड्स, निर्मला की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे विंटर सीजन की स्पेशल सब्जी, रतालू की सब्जी। ये मैंने 500 ग्राम रतालू लिया है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मार्केट में कई प्रकार की नई सब्जियां आ जाती है, उसी में से एक है ये रतालू। ये मैंने 500 ग्राम रतालू लिया है। अब हम इसको छील लेंगे। छीलने से पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि इसे छीलने से इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम हाथों पर ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से इसको छील लेंगे। रतालू के अंदर कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। हमें सीजनेबल सब्जियों को खाना चाहिए। रतालू की सब्जी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब खांसी आती हो तो इसका काढ़ा बना करके दिया जाता है, और ये स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद है। ये देखिए फ्रेंड्स, रतालू को मैंने छील करके इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इनको साइड में रख देंगे और एक जार ले लेंगे। इसके अंदर ये दो प्याज हैं, इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, ये डाल देंगे। ये 8 से 10 लहसुन है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी इसी के साथ पीस लेंगे। ये एक हरी मिर्च है, अब हम इसको पीस लेंगे। गैस पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इस रतालू को फ्राई कर लेंगे इसके अंदर। रतालू को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, ब्राउन सी लेयर ना आ जाए इनके ऊपर, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। रतालू हमारे फ्राई हो रहे हैं, जब तक हम एक चटपटा सा मसाला बना लेते हैं सब्जी के लिए। ये 1/2 कप मैंने दही लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च मिक्स कर देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी कम होती है, इसलिए हम 1.5 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच हम इसके अंदर धनिया की मिक्स कर देंगे। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी मिला देंगे। ये पिसा हुआ कच्चा जीरा है, ये भी डाल देंगे 1 चम्मच इसके साथ। ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है, ये भी इसी मसाले में मिला देंगे। अब इनको अच्छे से मिला देते हैं ऐसे। जब तक हमारे रतालू फ्राई हो रहे हैं, तब तक ये अच्छे से मसाला फूल जाएगा। ये मसाला हम साइड रख देते हैं और हमारे रतालू को देख लेते हैं अब। ये देखिए, रतालू हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमें इतना ही इनको फ्राई करना है। चलिए अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। तेल को इस तरह से झाड़ते हुए इनको बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए रतालू भी हम दूसरे राउंड में ऐसे फ्राई कर लेते हैं। इनको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। 7 से 8 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए तो अब हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं रतालू को। ये लीजिए, रतालू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस बचे हुए तेल के अंदर ही मसाले को भून लेते हैं। 2 तेज़पत्ते डाल देंगे इसके अंदर, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची है ये डाल देंगे, 2 लौंग है ये भी डाल देंगे इसके साथ, 1/2 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। इनको अच्छे से चटकने देते हैं। ये 2 पिंच हींग है ये भी डाल देंगे इसी के साथ। अब हमने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन पीस के रखे थे ना, ये भून लेंगे इसके साथ। प्याज को हम इसका कच्चापन निकलने तक भून लेंगे अच्छे से, ब्राउन होने तक। प्याज लहसुन हमारे भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये एक मीडियम साइज का टमाटर है ये डाल देंगे इसके साथ। इसको भी इसके साथ अच्छे से पका लेते हैं। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। ये 1/2 चम्मच नमक है, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसको मिला देते हैं ऐसे अच्छे से। अब हम टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं मसाले को। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और ढक्कन लगा करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। टमाटर को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, टमाटर डालना ऑप्शनल है, ऐसे हमने दही के अंदर मसाला बनाया है तो सब्जी तो वैसे भी खट्टी हो जाएगी। अगर आपको पसंद ना हो तो टमाटर को स्किप कर दीजिए। चलिए अब हमने ये जो मसाला बना करके रखा था ना, ये डाल देंगे इसके अंदर। अब इसको मिला लेते हैं ऐसे अच्छे से। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ऐसे, क्योंकि हमने दही के अंदर मसाला बनाया है, अगर छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा, इसलिए इस मसाले को ऐसे चलाते रहेंगे। 2 चम्मच पानी डाल करके हम कटोरी के अंदर वो भी डाल देंगे ताकि मसाला वेस्ट ना जाए। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। इसे ढक्कन लगा करके भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। वाओ, ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। चलिए अब हम इसके अंदर ये जो रतालू हमने फ्राई करके रखे थे ना, ये मिला देंगे इसके अंदर। अब मसाले के साथ हम रतालू को भी भून लेंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे इस रतालू को मसाले के साथ।
एक से डेढ़ मिनट हो चुका है मसाले के साथ इस रतालू को भूनते हुए। ये देखिए रतालू हमारा भून चुका है मसाले में। अब अगर आप चाहें तो इस सब्ज़ी को ऐसे भी खा सकते हैं, सूखी पराठे के साथ, पूरी के साथ। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। आधा कप पानी मिलाया है मैंने इसके अंदर, इसको मिला देते हैं ऐसे अच्छे से। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं इसके साथ। सब्जी को बनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है। अब आपको ग्रेवी कितनी पतली या कितनी गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। मैंने तो थोड़ी कमी रखी है इसके अंदर ग्रेवी। ये देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए रतालू हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने खड़े मसाले भी डाले हैं इसके अंदर। ये हरा धनिया है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मिला लेते हैं ऐसे। ये लीजिए हमारी रतालू की सब्जी बनकर के तैयार है। तो फ्रेंड्स आप इस विंटर सीजन की सब्जी को आप कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये सब्जी आपको जब तक मिले तो आप इसे ज़रूर से ला के बनाना। और इस सब्जी को आप पूड़ी के साथ, परांठे के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी ये। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरे रतालू की सब्जी बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।